डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी आई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वर्क फंक्शन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन से एमिशन और उसके बाद हम डिस्कस किए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के जो ऑब्जर्वेशन हैं या ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे आज। स्टार्टिंग में तो हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था, केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आज हम इसको डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब भी किसी मेटल सरफेस पर, तो मान लो ये मेटल है, इसके ऊपर जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, ये मान लो लाइट आ रही है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, एक हम वर्ड पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी या उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन सेमिट होते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन सेमिट नहीं होंगे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? वेवलेंथ। इसको हम लिखते हैं न्यू नोड से और इसको हम लिखते हैं लैम्डा नोड से। क्लियर है? ओके। तो देखो, जब भी किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जैसे इंसिडेंट होती है, तो इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, बिकॉज इस लाइट की कुछ एनर्जी है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन लेंगे और उस एनर्जी को लेकर के ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम शॉर्टकट में पीई के भी नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ये? जब भी किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना या बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इस फिनोमिना को या इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे मेटल सरफेस से उसको हम बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब किसी वायर में फ्लो होंगे तो उस वायर में करंट बनेगी, तो उस हम करंट को बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट। क्या क्लियर है ये बात? भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स, और इन फोटोइलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनता है दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, उसके बाद जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस मेटल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एमिटर्स, या फिर आप इसको कह सकते हो फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल या मेटल। क्लियर है? तो दोबारा से देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगी दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जिस मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एमिटर और फोटो सेंसिटिव मटेरियल। क्लियर है ये इतनी कहानी? अब देखो, ये जो लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, तो हर मेटल के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, या हम ऐसे कहें हर मेटेरियल के लिए
जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है, क्लियर है कि नहीं? तो किसी मेटल के ऊपर तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, विजिबल लाइट, तो उस लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। किसी मेटल के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग होती है, अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आपको पहले भी बताया था, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज और विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, वो सब हम पढ़ चुके हैं, माइक्रो रेडियो, क्लियर है कि नहीं? तो इन सब की जो वेवलेंथ होती है या फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इधर से इधर जब जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती थी तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो किसी मेटल के लिए ये सूटेबल फ्रिक्वेंसी का काम करेगी, किसी मेटल के लिए ये जो लाइट है ये सूटेबल फ्रिक्वेंसी का काम करेगी। तो होता क्या है, जो कुछ मेटेरियल जैसे जिनको एल्काइन मेटेरियल आप बोलते हो या मेटल बोलते हो, जैसे सीजियम है या लिथियम, सोडियम, सीजियम, इन सब के ऊपर जैसे ही वाइट लाइट आती है या विजिबल लाइट आती है, विजिबल लाइट, उससे ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन मेटेरियल को हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल, फोटो सेंसिटिव मेटल्स, क्योंकि इन पर विजिबल लाइट से ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाते हैं। उसके अलावा कुछ मटेरियल या मेटल जैसे मैग्नीशियम, कैडमियम, इन सब के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज जब आती है, यूवी रेज, तो उस रेज के आने से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, क्लियर है? तो किसी मेटल में तो विजिबल लाइट से निकलेंगे, किसी में यूवी रेज से निकलेंगे, या किसी में और किसी से भी निकल सकते हैं, क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये अपने को पता होनी चाहिए। दोबारा से एक बार अगर हम रिवीजन के लिए देखें, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब भी किसी मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनेगी उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स इमिटर या फिर फोटो सेंसिटिव, सॉरी फोटो सेंसिटिव मेटेरियल या मेटल, क्लियर है? उसके बाद अलग अलग मेटल के लिए जो लाइट है वो अलग अलग लाइट से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जैसे ये जो एल्काइन मेटल्स होती हैं लिथियम, सोडियम, सीजियम, इन पर विजिबल लाइट आने से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन पे जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके ऊपर लाइट की फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस पूरे सेटअप को हम डिस्कस करेंगे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो पूरी नॉलेज है वो अपने को वहीं से मिलेगी, क्लियर है? तो थैंक यू, अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे।